फीस शेयरिंग को लेकर दिल्ली में सहयोगी दलों के साथ कांग्रेस का मंथन जारी। लोकसभा चुनाव में फीस शेयरिंग कैसे होगी इसी को लेकर कांग्रेस के नेता सहयोगी दलों के साथ बैठक कर रहे हैं और ये आप समझिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो आम सहमति पर कैसे बनेगी ये बड़ा प्रश्न है क्योंकि अपने अपने दावे हर दल हर पार्टी कर रहा है। जो क्षेत्रीय दल है वो अपने तरीके से अपने दबदबे को बता रही है। तीन राज्यों में हार के बाद कांग्रेस कैसे ये प्रूफ कर पाएगी या कैसे ये दाव सामने रख पाएगी कि उसे ज्यादा सीटें चाहिए और कैसे आम सहमति बन पाएगी ये बड़ा प्रश्न है। सहयोगी दलों के साथ कांग्रेस की ये बैठक है लेकिन उससे पहले कई स्वर बाहर भी मुखर हुए। राहुल गौतम हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। राहुल, एक तो चर्चा होती है बैठक में लेकिन बैठक से पहले ही सबने अपनी मंशा दिखा दी है और ये जाहिर कर दिया है कि किसको कितनी सीट चाहिए, तो जब अभी ही इतने स्वर उठ रहे हैं तो बैठक के बाद ये सारे स्वर एक किसी निर्णय पर पहुंच पाए, सीट शेयरिंग हो पाए, ये बड़ा प्रश्न है। बिल्कुल, यही सबसे बड़ा प्रश्न है और इसी को लेकर अभी लगातार बैठकों का दौर जारी है। मैं अभी मौजूद हूं मुकुल वासनिक के घर के बाहर जो कि कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं और 5 सदस्यीय जो कमेटी बनाई गई है नेशनल अलायंस कमेटी सहयोगी दलों से बात करने के लिए उसके चेयरपर्सन है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ पर मौजूद है उनके घर पर सलमान खुर्शीद को आप देख सकते हैं, अशोक गहलोत यहाँ पर मौजूद हैं, बिहार के जो प्रभारी हैं मोहन प्रकाश वो मौजूद हैं, अखिलेश सिंह को भी अब वो निकल रहे हैं अपनी गाड़ी में और तमाम जो लोग थोड़ी देर पहले यहाँ पर मनोज झा भी पहुंचे थे वो तकरीबन 1.5 घंटे यहाँ पे रुके और उनके साथ में चर्चा की गई कि किस तरीके से सीटों का बंटवारा होगा। मैं मोटा मोटा समझा देता हूँ कि क्या कांग्रेस पार्टी ने फॉर्मूला दिया है। कांग्रेस पार्टी ने दरअसल 10 से 11 सीटें मांगी हैं बिहार के अंदर, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो फॉर्मूला सब लोगों को मान्य होगा वो फॉर्मूला हो सकता है 17-17, यानी 17 JDU 17 RJD, 4 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिल सकती हैं, इसके अलावा 2 सीटें CPI ये लेफ्ट पार्टी को दी जा सकती है। और अब आप देख सकते हैं तस्वीरों में से अखिलेश सिंह जा रहे हैं अपनी गाड़ी से, वो बिहार के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर क्या क्या चर्चा हुई, सर क्या चर्चा हुई, सर क्या बात की, सर क्या बात हुई, सर आप मनोज झा निकले थे पहले नाम से? जी सर, उनसे नहीं मिली, उन्होंने कहा ऑल इज वेल, उन्होंने कहा क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी पे बात, क्वालिटी पर बात हुई, क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी पर बात हुई है, क्वालिटी पे बात हुई क्वांटिटी पे नहीं। अरे यार आराम से करो, अच्छे वातावरण में वार्ता हुआ जी सर, और ये कोई एक दौर में वार्ता नहीं खत्म होता, बाकी पार्टियां भी मिलेंगी और सबके साथ चर्चा करके सीटों की जानकारी जब पूरी हो जाएगी तब हम लोग आपको देंगे, एक दो दिन में हो जाएगी उन लोगों से भी। सर कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, सर कितने सीटों पर लड़ेगी चुनाव, ये आपको अभी थोड़ी बताना है यार, 10 सीट कहा जा रहा है कि 11 सीट कांग्रेस चाहती है, 11 सीट कितने सीट पर लड़ना चाहती है बिहार से? अब अभी इस पे कोई बातचीत आपसे नहीं कर सकते, जब पूरी चर्चा हो जाएगी तो फिर इसकी जानकारी, फिर से बैठेंगे सर, फिर बैठे ऑब्वियसली फिर बैठे। सर बैठक में लालू जी मौजूद थे? लालू जी नहीं नहीं बिल्कुल नहीं थे, RJD की तरफ से मनोज झा जी आए थे। सर JDU के साथ, एक मिनट, JDU के साथ सर कल है इस तरह की मीटिंग? कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, उसमें कोई ये नहीं हो जाएगी। सर कहा जा रहा है कांग्रेस को 4 सीट दिया जाएगा, 17-17 RJD JDU 4 कांग्रेस और 2 वाम दल। बात निराधार है यार, कोई तथ्यहीन बात का कोई मतलब नहीं। ठीक है, थैंक यू सर, तो ये थे अखिलेश सिंह जो कि बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि चर्चा चल रही है तमाम सहयोगी दलों के साथ में, अगले 1 या 2 दिन में JDU से भी बात की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि जो पूरा जो चर्चा हो रही है वो बहुत ही अच्छे वातावरण में हो रही है। इससे थोड़ी देर पहले जब मनोज झा निकले थे वो भी ये कह के निकले थे ऑल इज वेल, तो कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन ये मैसेज देना चाहता है कि जिस प्रकार की अटकलें चल रही हैं कि क्या सब कुछ ठीक नहीं है, क्या अलायंस की डगर बहुत मुश्किल है, उसको भी आप कह सकते हैं कि एक तरीके से खारिज करा है और कहा है कि आने वाले दिनों में जल्द ही फैसला ले लिया जाएगा सीटों पर। देखिए आप क्वांटिटी और क्वालिटी की बात हो रही है, अगर क्वांटिटी ठीक रहेगी तो भी इस पूरे गठबंधन में क्वालिटी उस हिसाब से निकलेगा कि गठबंधन कितना अच्छा परफॉर्म करता है।